प्रकाश और खुशियों के पर्व दीपावली के अब कुछ ही दिन शेष हैं। लोग धूमधाम से दीपोत्सव मनाने के लिए जमकर खरीदारी कर रहे हैं। इसी बीच कैबिनेट मंत्री निर्मला भूरिया और कलेक्टर नेहा मीणा ने अब की दिवाली आजीविका वाली की अपील करते हुए स्वदेशी सामान खरीदने का आग्रह किया है, ताकि अपनों के बीच खुशियाँ बांट सके। पश्चिम मध्य प्रदेश के आदिवासी बाहुल्य झाबुआ जिले में हस्तकला एवं स्वदेशी प्रदर्शनी का शुभारंभ कैबिनेट मंत्री निर्मला भूरिया द्वारा किया गया, जिसमें दीपावली दीपोत्सव वोकल फॉर लोकल थीम पर आजीविका मिशन की ओर से विभिन्न प्रदर्शनी की कैबिनेट मंत्री एवं जिला कलेक्टर ने प्रशंसा की। यह आयोजन 26 अक्टूबर से 28 अक्टूबर तक नागरिकों के लिए आजीविका भवन में संचालित रहेगा। सभी प्रदर्शनी का मंत्री एवं कलेक्टर द्वारा निरीक्षण कर विभिन्न प्रकार की सामग्री क्रय भी की गई। कार्यक्रम के पश्चात सेल्फी पॉइंट पर मंत्री एवं अन्य अधिकारियों ने फोटो भी लिए। आप लोग बहुत अच्छे होंगे, सब लाइट वाला है, बड़े वहीं महिला एवं बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया और कलेक्टर नेहा मीणा ने मीडिया से चर्चा करते हुए जिलेवासियों से इस दीपावली पर स्वदेशी सामान खरीदने की अपील की है, ताकि हमारे साथ साथ छोटे छोटे दुकानदार भी खुशियों के इस पर्व को धूमधाम से परिवार के साथ मना सकें। जैसे कि नाम से ही आप लोगों को कि दीपावली हमारे सामने है और इसको त्यौहार को और जो हमारी लोकल जो चीज़ें हैं और यहाँ के स्थानीय जो हमारे हुनरबाज हैं, जो अपने अपने विद्याओं में महारत है, किसी को कुछ बनाना आता है, किसी को कुछ चीज़ें बनाने आती है, हमारे समूह है और यहाँ सबको समेटा है। जैसे हमारे बंदी जो हमारी महिलाएं हैं वो उनके द्वारा बनाए गए हों, या बाल विवाह वाले जो बच्चे रहते हैं उनके द्वारा बनाए गए हों, हमारे दिव्यांग जन हैं उनके द्वारा बनाए गए हैं, और हमारे NRLM के जो समूह हैं वो नई नई चीज़ें जो बनाते हैं उनको किस तरह से प्रचार प्रसार मिल सकें और वो आर्थिक रूप से किस तरह से स्वावलंबी बने, आत्मनिर्भर बने, ये हमारा कोशिश है, प्रयास है हमारी बहनें, और उसी को मद्देनजर रखते हुए हमारी कलेक्टर मैडम नेहा मीणा जी के प्रयास से, हमारे CEO साहब है चौहान साहब और सभी के प्रयासों से ये कोशिश है कि भाई यहाँ की जो लोकल चीज़ें बनती है उनको प्रचार प्रसार मिले और आर्थिक रूप से जो बनाते हैं उनको भी लाभ हो, इससे हमारी कोशिश है। मुझे लगता है कि ये पहला प्रयास है और हम और आगे तक जाएंगे, और हमारे मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री भी यही चाहते हैं कि हमारी जो बहनें हैं वो आत्मनिर्भर बने और इसी तरह से हम लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए हमारा पूरा प्रयास है। नमस्कार, जैसा कि आप जानते हैं कि दिवाली का पर्व आ रहा है, दीपावली एक बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है जिसे बहुत हर्षोल्लास से सौहार्दपूर्ण तरीके से सभी के द्वारा मनाया जाता है। उससे पूर्व हमने एक जिला प्रशासन की तरफ से एक दीपोत्सव 2024 का आयोजन किया है, जिसके अंतर्गत हमारी स्वयं सहायता समूह की जो महिलाएँ होती हैं उनके प्रोडक्ट्स, बाकी हमारे जो दिव्यांगजन होते हैं वो जो बनाते हैं प्रोडक्ट्स, हमारी जेल में जो निरुद्ध बंदनियाँ हैं उनसे भी हमने प्रोडक्ट्स बनवाए हैं, और साथ में हमारा बाल संप्रेक्षण गृह है उसमें जो बच्चे हैं 18 वर्ष से जो नीचे रहते हैं जुवेनाइल बोर्ड वाले, उन बच्चों से भी हमने प्रोडक्ट्स बनवाए हैं। देखिए, इसका पूरा मकसद ये है कि एक तो सारे हमारे लोगों को पता चले और ये जो मैसेज है वो बाहर भी जाए कि झाबुआ में किस प्रकार के जो प्रोडक्ट्स हैं वो बनाए जा रहे हैं। इसका पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो वोकल फॉर लोकल वाली बात है कि हम लोग लोकल प्रोडक्ट्स को ज़्यादा प्रमोट करें, लेकिन उनको ग्लोबली प्रमोट करें, वर्ड होता है ग्लोबल, कि ग्लोबली हम लोकल चीज़ों को प्रोडक्ट प्रमोट करने का प्रयास करें। और आप जैसा कि देख सकते हैं कि यहाँ पे वो सारी चीज़ें उपलब्ध हैं जो कि दिवाली में जब सेलिब्रेशन के दौरान जिसकी आवश्यकता होती है, दीपावली के जो पुजापे हैं वो हमारी ग्रामीण महिलाओं ने तैयार किए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि अगर आप दिव्यांगों से, महिलाओं से, या निरुद्ध बंदनियों, या फिर आप बाल संप्रेषण गृह के जो बच्चे द्वारा निर्मित पदार्थ खरीदते हैं या प्रोडक्ट्स परचेज करते हैं तो सीधा सीधा उनको आर्थिक रूप से भी सपोर्ट करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से देशवासियों से वोकल फॉर लोकल पर जोर दे रहे हैं, जिसका अब देश भर में सकारात्मक असर देखा जा रहा है। झाबुआ से शाबिर मंसूरी की रिपोर्ट।